हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AS08 स्पोर्ट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी और ईस्ट बंगाल एफसी का कल का मैच के बारे में। मतलब नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का प्लेइंग 11 कौन कौन प्लेयर को खिलाना चाहिए, इसी टॉपिक के ऊपर डिटेल्स में डिस्कशन करूँगा। वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल है डुरान कप 2023 का फर्स्ट सेमीफाइनल और कल नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी खेलेगा ईस्ट बंगाल एफसी के खिलाफ। ये मैच नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए 1% भी इजी नहीं होगा, क्योंकि ईस्ट बंगाल एफसी अब जिस फॉर्म में है नेक्स्ट लेवल। सिर्फ ईस्ट बंगाल एफसी का फॉर्म ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का फॉर्म भी बहुत बेहतरीन चल रहा है। ये मैच सिर्फ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए ही डिफिकल्ट नहीं, ईस्ट बंगाल एफसी के लिए भी डिफिकल्ट होगा। ये मैच नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी जीतने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, साथ ही नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को बॉल पोजीशन ज़्यादा रखना पड़ेगा, अटैकिंग खेलना पड़ेगा और प्लेयर के बीच लिंक अप बनाना पड़ेगा। लाइनअप की बात करें तो गोलकीपर पोजीशन में मिर्शाद मिर्चू, सेंटर बैक पोजीशन पर मैं माइकल जेबाको और गौरव बोरा को रिकमेंड करूंगा। राइट बैक में थोड़ा सा प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, दिनेश सिंह एक सेंटर बैक प्लेयर है, इसीलिए राइट बैक पर तंदम्बा सिंह को खिलाना चाहिए और लेफ्ट बैक में हीरा मंडल को खिलाना चाहिए। डिफेंसिव मिडफील्डर पर फाल्गुनी सिंह और रोमेन फिलिपिटियो। फाल्गुनी सिंह के अलावा बेमेमार भी है, इन दोनों से एक को स्टार्टिंग 11 में चांस मिलेगा। अटैकिंग मिडफील्डर पर नेस्टर एल्बियास बेस्ट ऑप्शन है, राइट विंग पर रिडीम लांग को खिलाना चाहिए और लेफ्ट विंग पर मनवीर सिंह। सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन पर इप्सन मेलो है और इप्सन मेलो का तो परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। इसके बाद और भी प्लेयर मौजूद है, सारा है, रोसार जेला, इसके बाद गोनी निगम भी है, ऐसे कोई प्लेयर है जिसने डुरान कप में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। ये था मेरा फॉर्मेशन। इस मैच में कौन जीतेगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए और मेरे साथ बात करने के लिए इंस्टाग्राम पर AS08 स्पोर्ट्स को फॉलो भी कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही है। जय अहोम, वंदे मातरम।